फ्राइडे था, तो 5 अप्रैल 1922 को क्या दिन होगा, ये दिन निकालना है हमें। तो देखो, एक तो होता है ईयर्स, दो तरह के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष में होंगे 365 दिन और लीप वर्ष में होंगे 366 दिन, मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये कब होता है? 4 साल के बाद। जैसे कि 2000 को, फिर 2004 को होगा, फिर 2008 को होगा। ये होता है हमारा लीप वर्ष। अब हमें निकालना है 5 जनवरी 1921 को फ्राइडे था, तो 5 अप्रैल 1922 को क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक वर्ष तो जुड़ जाएगा सेम डेट का, मतलब कि हम 5 जनवरी 1921 से 5 जनवरी 1922 तक आ गए, तो एक वर्ष हमारा एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद हम पहुंच गए कहाँ, 5 जनवरी 1922 तक हम चले गए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जनवरी के हमारे कितने दिन बचे, 26 दिन, क्योंकि जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, तो 5 तक तो हम पहुंच गए थे। देन उसके बाद हमारा हो गया जनवरी, फिर हमारा हो गया फरवरी, फरवरी में हमारे 28 दिन होते हैं, तो हमने ले लिए 28 दिन। उसके बाद हम गए मार्च, मार्च में हमारे 31 दिन, और हमें जाना है अप्रैल तक। अब अप्रैल में हमारे हैं 5 दिन, क्योंकि हमें 5 तक जाना है। तब क्या किया हमने, ये इनको सबको 7 से डिवाइड करना है, तो या तो पहले ऐड कर लो फिर डिवाइड कर दो। चलिए पहले हम इसको डिवाइड ही कर देते हैं, 7 + 21, 5 बचे प्लस, ये पूरा कट गया, और 7 + 21 7 + 28 हमारे बचे 3 प्लस 5, तो हम इनको ऐड करेंगे, 5 + 6 = 9 + 5 = 14। अब 14 को हमने 7 से फिर डिवाइड किया, तो हमारा आया 0। कहने का मतलब ये है फ्राइडे में हमें सिर्फ 0 ऐड करना है, और 0 ऐड करके क्या आएगा, फिर से फ्राइडे आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कैलेंडर का क्वेश्चन।